नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज मकर संक्रांति का फेस्टिवल है तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। अच्छे से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कीजिएगा। अभी हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं सैंडविच के लिए, अंदर की जो फीलिंग होती है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। मैंने सोचा कि सैंडविच थोड़ा सा बना के और हम बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो हम यहाँ पे उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ देखिए, मैं ब्रेड को ओपन कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैंने चॉप कर ली हैं। अंदर फीलिंग जो होती है सैंडविच की, उसके लिए यहाँ पे टोमेटो, कैप्सिकम एंड कैबेज, सारी चीज़ें मैंने चॉप कर ली हैं, यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। एंड यहाँ पे सब लोग हेल्प करा रहे हैं मेरी, क्योंकि अगर अकेले बनाया जाए तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसमें दोनों बच्चे एंड मेरे हस्बैंड सब लोग हेल्प कर रहे हैं, सब लोग मिलके ये सारा काम कर रहे हैं, सो दैट हम मॉर्निंग में जाके इसको थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो यहाँ पे देखिए, अभी प्रिपरेशन चल रही है। मकर संक्रांति के दिन मॉर्निंग में दही एंड चूड़ा खाया जाता है एंड उसके साथ सब्जी होती है। एंड इवनिंग में हमारे यहाँ खिचड़ी बनाई जाती है, तो यहाँ पे इवनिंग में मैं खिचड़ी बनाऊंगी। अभी मॉर्निंग में तो हमने ये डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पज़ से सैंडविच बनाया था, तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अभी मैं वीडियो थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ, तो यहाँ पे सारी प्रिपरेशन चल रही है एंड इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। और आज मैं थोड़ा सा लेट भी उठी थी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो थोड़ा सा लेट भी हो गया था, इसलिए सारी चीज़ें करने में हमें अराउंड 12 o'clock हो चुका था। तो यहाँ पे सब प्रिपरेशन चल रही है एंड यहाँ पे हम मकर संक्रांति के दिन क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें बनाते हैं एंड मकर संक्रांति के दिन कुछ ना कुछ दान किया जाता है। तो इस बार के मकर संक्रांति में हमने दही नहीं खाई, सिर्फ एक एक स्पून खाया है। और इसलिए नहीं खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा विंटर है और आप लोग को पता है कि जो सिचुएशन है क्या चल रही है, ठंड से हमें भी बचना है, इसलिए मैंने दही नहीं मंगाया। कल का थोड़ा सा दही था, वही हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाया है। और ये परंपरा है, आज के दिन दही चूड़ा खाते हैं, तो हमने थोड़ा थोड़ा सा खाया, ज़्यादा नहीं खाया। अब यहाँ देखिए, मैं सैंडविच प्रिपेयर करना, इसके अंदर जो फीलिंग होती है वो फील करना स्टार्ट कर दिया है। नीचे आपने चटनी लगाई थी ग्रीन कलर की, हस्बैंड यहाँ पे देखिए हेल्प करा रहे हैं, चटनी लगा के दे रहे हैं ग्रीन कलर की। एंड उसके बाद उसके ऊपर हम कैबेज और ये अनियन के जो पीसेस हैं वो डाल के एंड ऊपर से इसकी जो फीलिंग है वो फील कर रहे हैं। एंड देन उसके ऊपर एक चीज़ का स्लाइस रख के इस टाइप से कंप्लीट हमने कर लिया है। इस टाइप से 1-to-1 हमने सारे सैंडविचेस को रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद हमने इसको तवे पे, मेरा बेटा अंदर किचन में है वो इसको सेक रहा था, सेक करते ही हम साथ के साथ इसको पैक करते जा रहे थे सो दैट ये ठंडा ना हो जाए। तो अभी प्रिपेयर करने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो सारे लोग मिलके कर रहे थे। और करने के बाद यहाँ पे देखिए अभी भी चल ही रहा है प्रिपरेशन, तो ये सारी चीज़ें करने में टाइम तो लगता है बट अच्छा भी लगता है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग मिलके कर रहे थे एंड आज के दिन शाम को पतंग भी उड़ाया जाता है, बट आज का जो वेदर है बिल्कुल भी धूप नहीं है और वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तो आज के दिन धूप होती है तो छत पे बच्चे बूढ़े सब लोग छत पे पतंग उड़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अब इसको सेक रही हूँ क्योंकि बेटा जो है उसको टर्न नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली, इसलिए मैंने बोला कि आप पैकिंग कर लो और मैं यहाँ पे इसको सेक देती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा बेटा है वो पैकिंग कर रहा है एंड मैं यहाँ पे सेक रही हूँ, तो उसको मैं यहाँ पे निकाल के फॉइल पेपर में दिया। तो इस टाइप से हमने मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया। थैंक यू।